thank mm -hmm. you एवरीवन वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी यस आई नो आज का टॉपिक एक बहुत ही ओवरस्टेटमेंट लग रहा होगा दैट कैशलेस इंडियन इकोनॉमी इज पॉसिबल चलो कैशलेस इंडियन इकोनॉमी पॉसिबल है या नहीं ये तो हम इस वीडियो में जरूर समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि चाहे मैक्सिमम पूरा पूरा, पूरा कैशलेस ना हो बट क्या जो हमारी ये कैश मार्केट है ये पूरी की पूरी कैनिबलाइज तो नहीं हो जाएगी आने जैसे हमारी न्यू पेमेंट मेथड आ रहे हैं उसके बेसिस पे तो इस वीडियो में हम ये पूरी ही पूरी सारी की सारी चीजों को समझेंगे एंड वो भी फाइव एक्साइटिंग चार्ट से जो इस चीज को प्रूव कर सकता है कि कैशलेस इंडियन इकोनॉमी पॉसिबल हो सकती है वीडियो शुरू करने से पहले यूज करें कूपन कोड हैप्पी न्यू न्यू ईयर, ईयर आ रहा है डिस्काउंट तो बनता है तो हमारे सभी मॉडल पोर्टफोलियो पे मिलेगा आपको 50 परसेंट तक का डिस्काउंट डू वेबसाइट एंड अवेल दिस ऑपरचुनिटी नाउ

एटीएम्स की एमआईसीआर की डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स की एंड आज के अगर मैं जमाने में बात करूं तो फिर वॉलेट्स आ चुके हैं रिचार्ज वॉचर्स आ चुके हैं यूपीआई पेमेंट्स तो कितनी ही फेमस हैं एंड क्यू कोड्स भी हैं तो क्या आपने ये रियलाइज किया कि हमारा जो कैश का यूसेज है वो आजकल से नहीं एक्चुअली बहुत टाइम से एक शिफ्ट से गुजर रहा है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं लग रहा

अब यूपीआई भी है वॉलेट भी है ये अलग कैसे हैं इसको क्विकली हम समझते हैं कि देखो यूपीआई एंड जो मोबाइल वॉलेट पेमेंट्स होती है ना उसमें आप जब एक इंसान से दूसरा इंसान पेमेंट करता है तो उसमें बैंक इन्वॉल्व होता है यानी कि बैंक को आप किसको पेमेंट कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन का पता रहता है और अगर आप सोचो आप बैंक से पैसे तो निकाल कर लाए अब बैंक से आप पैसे लेकर आए हो लेकिन वो पैसे वो फिजिकल कैश आप किसको दे रहे हो ये बैंक को नहीं पता ये अनोनमस रहता है ऐसे हम कहते हैं अगर डिजिटल पेमेंट्स में ऐसी डिजिटलिटी आ जाए तो तो इसीलिए उन्होंने ई e रूपी का कॉन्सेप्ट लाया जिसमें आप बैंक से ई e रूपी तो ले, लोगे लेकिन बैंक एज एन इंटरमीडिए को ये नहीं पता होगा कि वो कैश आप कौन से तीसरे पर्सन को दे रहे हो कब दे रहे हो कितना दे रहे हो सो टू गिव यू दैट अनोनोमिटी अब इसी की वजह से जो था ना हमारा ये जो कैशलेस इकोनॉमी का ट्रेंड है वो बहुत बूम होना शुरू हुआ बिकॉज कैश जो फिजिकल कैश है हमें ये सबसे बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करता था तो अनोनोमिटी के अलावा हमारे पास ई e रुपी के बेनिफिट्स ही आते हैं कि एक तो ये आपके मोबाइल वॉलेट में स्टोर करना बहुत ही ईजी है एंड जो हमारी कॉस्ट प्रिंटिंग है ना वो भी बहुत कम हो जाती है इससे अब हम समझते हैं कि ये जो रिप्लेसमेंट है डिजिटल रुपी जो है वो रिप्लेस कर सकता है फिजिकल कैश को ऐसा मानना है हमारे आरबीआई गवर्नर का क्योंकि उनका ये कहना है जो इनोनमिटी हमें कैश प्रोवाइड करता है ना वो ये ई e रूपी जो है ये जो हमारे पास डिजिटल करेंसी है ये प्रोवाइड कर सकता है एंड इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये जो शिफ्ट है ना ये कैसे आ रहा है विद द हेल्प ऑफ फाइव ग्राफ्स पहले यू विल सी ऑन योर स्क्रीन द ग्राफ दैट इज कि जो डिजिटल पेमेंट्स का ट्रेंड है एंड जो हमारी करंसी इन सर्क्यूलेशन है उसमें कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया अगर मैं 2016 की बात करूं जब से डीमोनेटाइज मतलब डीमोनेटाइजेशन वाले एरा से अगर हम शुरुआत करें तो उस केस में आप देखोगे कि जहां पर हमारा जो करंसी इन सर्कुलेशन था वो 88 परसेंट था आज के टाइम पर वो गिर चुका है एंड आगे आने वाले टाइम में इट इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन यानी कि वो 88 परसेंट सेवन फर्दर डाउन टू 11 परसेंट एंड अगर मैं डिजिटल पेमेंट्स की बात करूं तो उसका ट्रेंड बिल्कुल ही उल्टा है जहां पर सिक्सटीन में वो इलेवन परसेंट था वहीं पर एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू एट तो वो चेंज हमें इसके थ्रू पता चलता है नेक्स्ट ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो चैनल वाइज जो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है यानी कि हम कौन कौन से मोड्स को यूज करते हैं उन पेमेंट्स को करने के लिए तो जहां आप 2016 में देखोगे यूपीआई का कुछ ट्रांजेक्शन नंबर था ही नहीं पेपर वर दी You know, at that time, चलते थे या पेपर इंस्ट्रूमेंट फोर्टी सिक्स परसेंट से गिर कर सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्व परसेंट रह गए सो दिस इज द ट्रेंड विच इज कमिंग अप दिस इज द ट्रेंड वी आर नॉट रियलाइजिंग इज लीडिंग एस टू कैशलेस इकोनॉमी अब अगर मैं आपको नेक्स्ट ट्रेंड दिखाऊं क्योंकि हम यूपीआई पेमेंट्स की बात कर रहे हैं एंड यूपीआई इज बिकमिंग अ फेवरेबल पेमेंट ऑप्शन फॉर अलॉट ऑफ पीपल तो डिमोनिटाइजेशन में जहां पर उसका जो ट्रांजेक्शन था दैट वॉज नथिंग आगे आने वाले टाइम में आप देखो हाउ द ग्राफ इज ग्रोन एंड स्पेशली आफ्टर कोविड जब लोगों को रियलाइज हुआ दैट फिजिकल कैश वाज़ नॉट एन ऑप्शन विद द पीपल सो डिजिटल करेंसी यूपीआई स्पेसिफिकली बिकेम लाइक अ यू नो शाइनिंग स्टार जिसकी वजह से जो पेमेंट्स का जो एक हमें स्टीप राइज देखने को मिलता है That is what UPI transactions show to us. Next graph में आपको देखेगा अगर हम जैसे करंसी इन सर्कुलेशन की बात करें अगर मैं उसे आइसोलेशन में भी देखूँ तो 2019 में जहाँ पे एक सर्टन नंबर वो पोर्ट्रे कर रहा था एफ आई ट्वेंटी टू में आते आते वो टू थाउजेंड नाइन क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं ना कि बोलते कि अरे कोविड था कोविड के कारण ट्रांजेक्शन नहीं चली डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा हो गई आज के टाइम में जब कोविड इज लाइक कोविड नहीं है सारी इकोनॉमी ओपन अप हो चुकी है एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल वी हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग बहुत सारे नंबर्स के प्री कोविड लेवल्स पे कैसे थे सो so, 2019 वाज अ प्री कोविड लेवल एंड अभी का आप फिगर देखो T, का इफ थिंग्स हैव एक्चुअली नॉर्मलाइज तो एटलीस्ट हमारा वो जो नंबर है करेंसी इन सर्कुलेशन का वो प्री कोविड लेवल्स तक तो होना चाहिए बट पीपल आर यू नो की कहते हैं वेदर दे नो इट और नॉट दे आर एक्सेप्टिंग द डिजिटल करेंसी एज द मोड ऑफ पेमेंट बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस दैट इट प्रोवाइड्स टू यू

1976 यानी कि दिवाली के टाइम पे भी लोगों ने प्रेफरिंग कैश उन्होंने प्रेफर किया है डिजिटल करेंसी को जिससे कि हमें ये पता चलता है दैट शिफ्ट इज कमिंग वी डस्ट डोंट सी इट लाइक दैट बट व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज ग्राफ्स वी रियलाइज दैट वो चीज बैकग्राउंड में चल रही है पर हमें फोरग्राउंड में दिख नहीं रही है अब इसमें हम और जो चीज एक समझते हैं कि ये जो कैशलेस इकोनोमी अगर आती है तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है बेनिफिट्स बहुत सारे हैं सबसे पहले हम बात करें दैट इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम मनी एंड टाइम क्यों बचता है बिकॉज जितना ज्यादा कैश इकोनॉमी में होता है ना उतना ही उसको अकाउंट करना पड़ता है उतना ही उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग कि भाई द कैश इज नॉट बी मिस यूज या कैश कहीं पे मिसिंग ना हो रहा हो चाहे वो आप एक माइक्रो लेवल पे देखो या माइक्रो लेवल पे देखो द अकाउंटिंग ऑफ कैश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट अगर वो अकाउंटिंग का प्रोसेस बिल्कुल खत्म तो चलो ना भी हो बट एकदम कम हो जाए तो कितना टाइम और मनी दोनों ही, दोनों ही नहीं होगा तो भी नहीं अगर नहीं है, तो पैसों की चोरी नहीं होगी पैसों की चोरी नहीं होगी तो अगेन इट इज गुड क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड करे जो रेट होगा वो कम हो जाएगा अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं यूएस में जो ये बोर्वेरियन असोल्ट था यू नो यू वी सरप्राइज यू नो कि वो दस से गिर गया जब गवर्नमेंट ने अपना पेमेंट मेथड कैश की बजाय एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को चूज किया उनके जो सोशल वेलफेयर के पेमेंट मेथड थे अफकोर्स ये चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर ट्रेंड शो करती हैं चाहे वो यूएस में हो या इंडिया में हो अब जो नेक्स्ट बेनिफिट हमें मिलता है द Production cost of coins and paper currencies are reduced. जितनी भी चीजें हम यूज हम हमेशा बोलते रहते हैं कि अरे पेपर क्यों किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाए या किसी भी ऑफिस में जाए कि पेपर क्यों यूज करना है एवरी थिंग इज डिजिटल पेपर क्यों वेस्ट करना है पेपर क्यों वेस्ट करना है तो कैश में भी पेपर क्यों वेस्ट करना है अगर हम वो डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो, तो उसमें भी जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली कहीं से अगर पैसे बच रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव जगह पर वो जरूर अप्लाई होंगे नेक्स्ट हमारे पास आता है लेस लेस कैश मोर डेटा बिकॉज द मोर डिजिटल प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग फॉर योर पेमेंट्स उतना ही ज्यादा जो डेटा है ना वो गवर्नमेंट के पास आता है एंड उस डेटा से गवर्नमेंट उन ट्रेंड्स को एनालाइज करके अपनी पॉलिसीज को फर्दर बेटर कर सकती है लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है मोर स्पेंडिंग हेल्प्स इंप्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ ये जितनी भी ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स होती है ना देखो कैश आपके पास है नहीं है क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपके पास उसमें यू नो क्रेडिट कार्ड क्या है लोन लेके आपको वो पेमेंट करनी है तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्पेंडिंग ज्यादा होगी सो यू हैव टू लुक फॉर कि अरे मेरे पास फिजिकल कैश नहीं है मैं खरीद नहीं सकता मोबाइल फोन तो आजकल सब कैरी करते हैं तो यू वॉन्ट समथिंग यू डू नॉट उसमें भी

मोबाइल uh, फोन्स होना वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है दूसरा आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन कंटिन्यूएशन टू दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है दैट अगर आपको डिजिटल पेमेंट्स करनी है तो उस केस में जो आपकी मेजोरिटी पॉपुलेशन इफ़ नॉट ऑल मेजोरिटी पॉपुलेशन के पास एक्सेस होना चाहिए ऐसे फाइनेंस को यूज करने के लिए एंड उससे ही रिलेटेड तीसरा चैलेंज हमारे पास आता है डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी राधर इलिटरेसी बिकॉज आप सिस्टम तो क्रिएट कर दोगे बट उसको आप लोगों तक एजुकेट उनको प्रोवाइड एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करोगे दैट हाउ द सिस्टम हैज टू ग्रो बिकॉज यू सी जितने भी लोग जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं ठीक है उनको समझ में आ जाएगा आप एक प्रोसेस बता दोगे बट दिस सिस्टम इनश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री विल हैव दैट ईज टू यूज दिस पर्टिकुलर कैशलेस इकोनॉमी वाला बेनिफिट तो

क्रेडिट क्रेडिट जो credit card, card जो कार्ड कार्ड डेबिट हैं हैं स्कैम्स कि उनको यू you नो know, उसका क्लोन बना के यूज़ कर लेते तो तो वो सारी चीजें तो, हो, तो होंगे ही बट हमें हमेशा इस तरीके से देखना चाहिए मेजर इश्यू जिसपे गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू नॉट ओनली इंश्योर कि ऑनलाइन थेफ्ट ना हो बट आल्सो कि ऑनलाइन डेटा का मिसयूज ना हो फिर हमारे पास आता है चेंजिंग हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स कई बार ना ऐसा होता है कि आपकी कुछ चीजों को लेकर एक एटीट्यूड है एक हैबिट होती है अगर मैं लार्जर पॉपुलेशन की बात करूं इंडिया में जो गोल्ड है ना दैट इज कंसीडर्ड एज एन वेरी इंपॉर्टेंट एसेट क्लास बेशक गवर्नमेंट मतलब तो जिसको बोलते हैं ना कि गोल्ड बॉन्ड्स आ चुके हैं और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज आ चुकी हैं विद रिगार्ड्स टू गोल्ड बट फिजिकल कैश से जो आपको सिक्योरिटी मिलती है है जो आपका एटीट्यूड उसके towards, वो इतनी जल्दी हमें भी, अभी भी, अपनी सोसाइटी में चेंज होता हुआ नहीं दिखता अब अगर आप कहीं घूमने फिरने भी जाते हो आपको पता है कि डिजिटल पेमेंट हो जाएगी आपके पास क्रेडिट कार्ड है आपके पास डेबिट कार्ड है उसके बावजूद भी एज अ सेफ सिक्योरिटी आप अपने पास कैश जरूर रखो क्योंकि बाय चांस पेमेंट ना हुई तो मैं कैश ट्रांजैक्शन से फिजिकल कैश से वो पेमेंट को कर सकूं तो ये जो हैबिट और एटीट्यूड है ना इसमें बदलाव आने के लिए तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज इट इज ऑल दीज चैलेंजेस आर लिंक्ड क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा आपकी हैबिट में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं होगा आप अपने लिए सेफ साइड पर कैश जरूर रखोगे लास्ट आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है चैलेंज दैट इज अर्बन एंड अर्बन एंड रूरल डिवाइड अर्बन एंड रूरल डिवाइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज अर्बन पॉपुलेशन को द एक्सेस टू ऑल दैट इन्फॉर्मेशन द ईज़ ऑफ़ यूजिंग थिंग्स द ईज ऑफ कनेक्टिविटी वो सब मिल जाती है वेराज रूरल में या तो वो नहीं मिलती है या बहुत लेट मिलती है जिससे कि वो प्रोसेस डिले हो जाता है बट हमारे लिए पॉपुलेशन तो दोनों ही जरूरी है जो हमारी कैश ट्रांजेक्शन है या जो भी हमारे कैश का यूज़ है जो मनी का यूज़ है ट्रांजेक्शन होने वाली हैं वो तो दोनों ही एरिया में होने वाली हैं सो वीजस कार्ड से अर्बन में कर देते हैं रूरल में जब आएगा तब आएगा तो टू मैंटेन दैट पैरलेंस बिटवीन बोथ द एरियाज अर्बन एंड रूरल के दोनों ही जगहों पे सेम टाइम पे वो चीज आए एटलीस्ट ज्यादा डिफरेंस ना हो कि एक में हो जाए या दूसरे में ना हो उस चीज को इंश्योर करना बहुत जरूरी है बिकॉज रूरल एरियाज में अभी भी कनेक्टिविटी का जो इशू है वो बरकरार है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट वाई इंडियन इकोनॉमी और हाउ इंडियन इकॉनमी कैन बिकम कैशलेस बट येस अगेन आई से इट इट्स नॉट

ठीक है सो टू एक्सपेक्ट दट वॉट इज गोय कम वॉट नॉट इज कम यू नेवर नो इफ द सिस्टम स्टार्ट टू वर्क आउट इन अ वेरी वेल डायरेक्शन सारे नोट ना खत्म हो उन्होंने बोल दें कि भाई अब जो 500 की जो ट्रांजेक्शन है 500 हंड्रेड नोट रिलेटेड वो होगी ही नहीं 500 हंड्रेड नोट्स प्रिंट ही नहीं होंगे आपको बस ई रुपी ही यूज करना है फॉर फाइव हंड्रेड रुपीज यू नेवर नो डिमोनिटाइजेशन भी किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था इट वॉज ओनली टर्म दैट वी यूज टू रीड इन टेक्स बुक्स पे उसका सिर्फ मतलब अवेलेबल था सो एनी कैन अ वेरी लाइट नोट सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कैशलेस इकोनॉमी का जो प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है हमारे ग्राफ्स क्या डिपेक्ट कर रहे हैं सिमिलर ट्रेंड में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें बिकॉज उनकी भी नॉलेज को काफी हद तक इन्हांस करेगा एंड ऑफकोर्स आप कैसे बोल सकते हैं हमारे टारगेट में आपको हमारा साथ देना है दैट वी रीच सेवन लैक् सब्सक्राइबर्स मिलते हैं आपको अगले वीडियो में थैंक यू सो मच